संजय द्विवेदी नाम के व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी भोपाल मुख्यालय में। वहाँ से कार्रवाई के संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेजों के छानबीन परीक्षण के लिए अलग अलग टीमों ने छानबीन की है, जिसमें जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में दस्तावेज मिले हैं, जिसमें फर्जी सीलें, पासबुक, चेकबुक और मॉर्गेज जो किए गए दस्तावेज हैं प्रॉपर्टियों के, जिनसे करीब करीब 100 करोड़ से अधिक का लोन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लेना प्रारंभिक रूप से प्रतीत होता है। बाकी सारे दस्तावेजों का परीक्षण होने के पश्चात जो है वो पूरी स्थिति क्लियर हो सकेगी। इसमें मुख्य रूप से संजय द्विवेदी, उसकी पत्नी नेहा और उसके अन्य रिश्तेदार जो है उसको कंपनियों में पार्टनर है।